कर्नाटक के आवास मंत्री वी सुमन्या यहां गुंड लुपेट के एक गांव में एक महिला को कथित तौर पर थप्पड़ मारने के मामले में उस समय विवादों में फंस गए जब वह अपनी शिकायत के समाधान के लिए गुहार लगा रही थी। मंत्री ने अभी तक इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन महिला ने कहा है कि सुमन्या उसे सांत्वना दे रही थी जब उसने उसे एक सरकारी भूखंड आवंटित करने के लिए उसके सामने सष्टांग प्रणाम करने की कोशिश की। प्राप्त जानकारी के अनुसार चामराजनगर के जिला प्रभारी यंत्री सुमन्या गुंडलुपेट के हंगला गांव गए थे और एक संपत्ति दस्तावेज वितरण समारोह में हिस्सा ले रहे थे। संपत्ति के दस्तावेज भूमिहीन लोगों को दिए गए जो आवासीय उद्देश्यों के लिए सरकारी भूमि पर कब्जा कर रहे थे, लेकिन अब तक इसका कोई स्वामित्व हासिल नहीं किया था। समारोह के दौरान वायरल वीडियो में कथित तौर पर एक महिला को मंत्री के पास एक भूखंड आवंटित करने की गुहार लगाते हुए दिखाया गया था। अनियंत्रित भीड़ के कारण धक्का लगने पर मंत्री नाराज हो गए और महिला को थप्पड़ मार दिया। हालांकि मंत्री के कार्यालय ने एक वीडियो साझा किया जिसमें महिला ने कहा कि उसने केवल एक भूखंड देने की गुहार लगाई क्योंकि वह बहुत गरीब थी। वीडियो में अपने बच्चों के साथ महिला ने कहा, मैं उनके चरणों में झुकी और मंत्री ने मुझे सांत्वना दी कि वह मेरी मदद करेंगे, लेकिन यह प्रचारित किया गया कि उन्होंने मुझे पीटा। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने मंत्री के कथित आचरण के लिए उनकी आलोचना की। जनपद नई जड़ी क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा करे और धन्यवाद। समस्त मध्य प्रदेश वासियों को, बिंद वासियों को, रीवा वासियों को और नई गढ़ी जनपद के सभी पूजनीय जनों को, प्रिय जनों को और छोटे भाइयों को, माताओं को, बुजुर्गों को, व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे रहे और आप सब खुशहाल रहें। आपकी खुशी, आपका सुख है हमारा और हमारी टीम का एक संकल्प। एक बार फिर अगस्त क्रांति मंच की ओर से और भारत जोड़ो देवतलाव विधानसभा टीम की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय बिंद, जय अगस्त क्रांति।